हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। वेलकम टू सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं EVS, हमारा परिवेश आपकी बुक का नाम है। तो अभी तक हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज हमें 6th चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। ठीक है, तो इससे पहले ऐसा है कि 5th चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट किए होंगे, मैंने विद आपको चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट करा दिया है। तो आज हमको पढ़ना है पशु पक्षियों का भोजन, मतलब कि जैसे हमारा खाना होता है, हम अपना खाने को भोजन कहते हैं ना, तो पशु पक्षियों का भी इस तरह भोजन होता है, क्या होता है, और एवं सहायक अंग, और उनके कुछ सहायक अंग होते हैं। जैसे कि हमारे सहायक अंग अगर होंगे तो हाथ पैर, हाथों पैर से हमें बहुत हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, हम कुछ काम कर सकते हैं। इसी तरह पशु पक्षियों के भी कुछ सहायक अंग होते हैं, तो आज हम उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आप अपनी बुक का 6th चैप्टर निकाल कर देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और उसको आपको बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके इस चैप्टर में पहले पेज में जो लाइन है उसमें एक सबसे पहले तो एक गौरैया का चित्र बना हुआ है ना, वो अपने घोंसले में अपने बच्चों को खाना खिला रही है। ठीक, तो हमें भोजन के बारे में पढ़ना है, पशु पक्षियों का भोजन क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे ऊपर लिखा है माँ हमें भूख लगी है। अच्छा, अब जो ये आपका पहला पैराग्राफ है, पहला जो आपका टॉपिक है, उसमें बताया गया है कि गौरैया अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किस तरह करती है। अगर उसको अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढना है तो वो कहाँ से लेकर आएगी, कैसे ढूंढेगी और क्या क्या करती है, ये हमें पढ़ना है। तो माँ हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया है, उसके बच्चे कहते हैं कि माँ हमें भी भूख लगी है और हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। चित्र आप देख रहे हैं अपनी बुक में और यहाँ पर भी, कि बहुत छोटा सा छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि घोंसले के अंदर हैं। तो गौरैया बोल रही है कि नहीं नहीं तुम, वो बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी आपके साथ चलना है। लेकिन गौरैया के बच्चे बहुत छोटे हैं, तो गौरैया कह रही है कि नहीं तुम अभी नहीं उड़ सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। दूसरा लाइन है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। गौरैया ने कहा कि नहीं तुम अभी नहीं उड़ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। गौरैया अपने बच्चों से कह रही है कि तुम लोग इधर ही रहना, घोंसले के अंदर रहना और इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई। देखा है ना आपने, गौरैया चिड़िया जो है, गौरैया अपने अपने एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। वैसे ये धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ हैं, क्योंकि अब उनको भी लोग केयर नहीं करते, दाना पानी नहीं डालते हैं, तो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, मतलब पहले से बहुत कम हो गई है। तो गौरैया खाने की तलाश में कैसे ढूंढती है, आपने देखा होगा कि घूमती रहती है, कहीं पे भी दाना या खाना होगा, पेड़ पौधों में बैठेगी, जो उसके खाने लायक होगा वो ढूंढ कर लाती है। और आपने कई बार अगर किसी ने घोंसला देखा होगा तो वो घोंसले में जाकर अपनी छोटे छोटे बच्चों को किस तरह प्यार से उनके मुँह में, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो उनके मुँह में वो दाना डालती है। तो इसी तरह गौरैया खाने की तलाश में कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। कभी कभी क्या होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी छत पर खाना और पानी रखना चाहिए चिड़ियों के लिए। तो गौरैया जो है कि अपने, उस दिन क्या हुआ कि उसके बच्चों को भूख लगी थी और उसको खाना नहीं मिला कई जगह। ठीक है, अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी। गौरैया उड़ रही थी, उसको अचानक से छत पर एक लड़की दिखाई दी, और लड़की दिखाई दी, वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। छत पर एक लड़की खाना खा रही थी, तो अचानक गौरैया को दिखाई दी और गौरैया वहाँ गई तो लड़की के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि वो खाना खा रही थी और गौरैया को भी खाने की तलाश थी, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो। गौरैया को खाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा था, तो गौरैया उदास थी। तो लड़की को समझ में आ गया कि गौरैया उदास है, तो लड़की ने गौरैया से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो।
गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दे दिया। लड़की खाना खा ही रही थी तो लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दे दिया। तो अभी तक आपने इससे क्या सीखा कि हमें दूसरों की सहायता करनी है। उसको पता चला कि गौरैया के बच्चे भूखे थे, गौरैया उसने उसको लगा कि गौरैया उदास थी। तो गौरैया क्यों उदास थी? क्योंकि उसके बच्चे को खाना नहीं मिल रहा था। और उसने पूछा तो उसने तुरंत ही उसने रोटी का टुकड़ा दे दिया क्योंकि गौरैया के बच्चे भूखे थे। हमें हमेशा इसी तरह दूसरों की सहायता करनी है, ठीक है? अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करनी है। गौरैया ने चोंच से पकड़ा पर उसे उठा नहीं पाई। गौरैया ने जो लड़की ने जो रोटी का टुकड़ा गौरैया को दिया, गौरैया ने उसे चोंच से पकड़ा, लेकिन हुआ ये कि वो उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह देख रहा था। एक कबूतर भी वहीं आसपास बैठा था और वो यह देख रहा था कि गौरैया रोटी का टुकड़ा चोंच से उठा नहीं पा रही। वह उड़कर गौरैया के पास आ गया। कबूतर जो है उसको ये लगा कि गौरैया की मुझे सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच से नहीं उठा पा रही थी, तो वह उड़कर उसके पास आ गया। नेक्स्ट पेज में लिखा है, कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कबूतर को ऐसा लगा कि मुझे गौरैया की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए उसने कबूतर ने गौरैया से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और वो रोटी उठाने में या अपनी चोंच से पकड़ने में असमर्थ थी। तो गौरैया ने कबूतर से कहा कि हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर ने अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। कबूतर जो रोटी का टुकड़ा गौरैया नहीं उठा पा रही थी उसको कबूतर ने उठाया और अपनी चोंच में दबाया और गौरैया के घोंसले तक गया। फिर वहाँ सबने मिलकर रोटी खाई। उसके बच्चे भूखे थे, उन्होंने भी रोटी खाई और गौरैया ने भी रोटी खाई। ठीक है, तो अभी तक इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा कि सबसे पहले एक लड़की ने गौरैया की मदद करी, उसको रोटी का टुकड़ा दिया क्योंकि वो भूखी थी, और उसके बाद जब कबूतर दूर बैठकर ये देख रहा था कि गौरैया रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाने से असमर्थ है, मतलब उसे नहीं कर पा रही, तो उसने भी उसकी मदद करी, है ना? तो हमें इस पैराग्राफ से ये सीखने को मिला कि हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी है, ठीक है? किसी भी तरह अगर हमसे हो सकता है तो हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी है। इसके बाद तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आसान है एकदम। सीखने को बस हमें यही मिला है कि हमें दूसरों की मदद किस तरह कर देनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ठीक? और हमने गौरैया की और कबूतर और एक लड़की और उसके बच्चे की कहानी सुनी, ठीक है? बच्चे भी खुश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, सोचो और लिखो। आप अपनी बुक में देखिए, आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में रेड कलर से जो हेडिंग है हमारी, सोचो और लिखो, ये एक हेडिंग डली हुई है, ठीक है? अब इस हेडिंग से ही आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको सोचना है कुछ, हमसे ऑब्वियसली हमसे कुछ पूछा ही गया होगा। अगर सोचने के लिए कहा गया है तो हमें सोचना है और उसका जवाब देना है कि क्या हो सकता है। तो नीचे लाइन लिखी है, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? क्वेश्चन मार्क, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, ठीक है? तो इससे अगर क्वेश्चन नहीं भी किया गया है और क्यों नहीं भी लगाया गया है और इस चिन्ह को लगा दिया गया है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, डन। तो इस तरह का चिन्ह अगर जहाँ लगा हुआ होता है, आपको वहाँ समझ जाना है कि ये हमसे क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, वे क्या क्या खाते हैं,
ये हमको बताना है। आपकी हेडिंग दी हुई है, एक तरफ हेडिंग में लिखा है पक्षी के नाम और एक तरफ लिखा है भोजन। पक्षी के नाम लिखने हैं, पक्षी के नाम, और इधर हेडिंग में लिख दिया गया है भोजन। दो ही पूछे गए हैं, आप दो से ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपको आते हैं तो। अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक, और अपने क्लास के टीचर को दिखाइए कि हम और भी ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो पक्षी के नाम और हमें भोजन, दो चीज़ें लिखनी है हमें। तो पक्षी के इधर पे ये लिखना है कि ये पक्षी है और ये दूसरे भोजन, मतलब कि वो क्या खाता है। जैसे कि आप हो, मैं हूँ, अगर कोई भी है तो हमको क्या ज़्यादा पसंद है, क्या हम खाते हैं। तो अभी हमने गौरैया के बारे में पढ़ा, तो एक पक्षी तो हम गौरैया ही लिख सकते हैं, है ना। एक नाम हम लिख देंगे गौरैया, ठीक। गौरैया क्या खाता है, देखा होगा आपने, गौरैया चिड़िया होती है ना, रोटी अभी अभी हमने पढ़ा है, अनाज के दाने भी खाती है और रोटी का टुकड़ा भी खाती है। अनाज के दाने लिख सकते हैं, रोटी के टुकड़ा लिख सकते हैं, है ना। छोटे मोटे पेड़ पौधों से, जैसे मैंने देखा है कई बार ऐसे बौड़ी निकलती है ना फूल की, तो वो भी ये खाती है गौरैया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो भी आपको पता हो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा हमें पक्षी का ही नाम लिखना है ना। तो कौवा भी लिख सकते हैं आप इधर पे, या तोता लिख सकते हैं, तोता लिख लीजिए, तोता सबको बहुत पसंद होता है। और भी बहुत सारे हैं ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि ये क्या खा सकता है या क्या खाता होगा, है ना। उसी को लिखना है जिसका आपको भोजन पता हो, उसी पक्षी का हम नाम लिखेंगे। तो तोता, तोता तो मिर्च खाता है तोता, और भी बहुत सारी चीज़ें खाता है, टमाटर खाता है, दूध रोटी भी खाता है जो पालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको उनका भोजन पता हो आप अपनी नोटबुक में या बुक में भी इस तरह जो अंडर ऐसे डॉट डॉट करके लाइन दी हुई है उसमें फिल कर सकते हैं। तो एकदम आसान था, है ना। तो जो इन्होंने पूछा हुआ है ये आपको खुद सोच के लिखना है, ज़रूरी नहीं कि जो हमने बताया आप यही लिखें। आपको जो पक्षी अच्छे लगते हो, आप जिन पक्षी के बारे में जानते हो कि वो क्या क्या खाते हैं, क्या अच्छा खाते हैं, आप वो लिख सकते हो। इसके बाद आपका है नेक्स्ट पैराग्राफ, पक्षी भोजन कैसे खाते हैं। आपको इसी वाली चैप्टर में नेक्स्ट पैराग्राफ है, पक्षी भोजन कैसे खाते हैं। तो हम इस पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप चैप्टर को पढ़िए और फिर मैं आपको समझाऊंगी तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना खूब ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।